भक्तों और भगवान की। तू ये जब तक हम देने की नियत नहीं रखते हैं तब तक दरिद्रता है, चाहे पूरी तीनों लोग कोई संपत्ति मिल जाए, लेकिन जब तक देने की नियत नहीं है दरिद्रता रहेगी। और जिसको देने की नियत है वो कभी दुखी नहीं रहेगा, ये सिद्धांत है। तभी कहते हैं संतोषी सदा सुखी। संतोष आता है देने की नियत से। तो ये सुंदर कथा सुखदेव जी परीक्षित महाराज को सुना रहे और कहने लगे, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से असीम प्यार करते हैं। पर इसके बाद में कुरुक्षेत्र में समंत पंचक तीरथ सूर्य ग्रहण के समय पर बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा, वहाँ बसदेव देव की कृष्ण बलराम और उधर पांडव सुभद्रा कुंती द्रौपदी ये भी आए, उधर से नंद बाबा यशोदा सब ब्रजवासी गोपी ग्वाल एक दूसरे से मिले, परमानंद हुआ। बसदेव जी ने वो बहुत बड़ा यज्ञ किया और संतों से ज्ञान लिया, उपदेश लिया। गृहस्थी चाहे भगवान के पिता भी क्यों नहीं हो, लेकिन उनको दान पुण्य करना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए। गृहस्थी को साधुओं के सामने ज्ञान देना नहीं चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। उनसे ज्ञान लिया। फिर यहाँ वेदों ने आकर के स्तुति करी भगवान की। और पर ठाकुर जी जब लीला स्मरण कर रहे हैं, प्रवास क्षेत्र में समुद्र किनारे उद्धव तड़पने लगे, रोने लगे। भगवान ने कहा, उद्धव ये श्रीमद् भागवत मेरा श्री विग्रह है, इसमें 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंध, ये मेरी शब्द मूर्ति है, वाणी मूर्ति श्री विग्रह है ये मेरा, मैं इसी में निवास करता हूँ, भागवत धर्म का पालन करना बद्री नारायण में भक्ति पूर्वक। और तुम आने जाने की बात करते हो ना, आना जाना कुछ नहीं होता, वही रहता है, केवल चीजें बदल जाती हैं, रूप बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं। जैसे कोई आदमी एक्टर है और रोल करता है, मान लिए अमर सिंह बन गया, डाकू अमर सिंह बन गया, तो उसमें रोल में डाकू मर गया, आदमी नहीं मरा, रोल मर गया, जो रोल था ना अमर सिंह वो नाम मर गया और वो भेष मर गया। दूसरे दिन वही आदमी हरिचंद बन गया, आदमी वही है, रोल दूसरा है, नाम दूसरा है, कपड़े दूसरे हैं, हरकतें दूसरी हैं। अब वो फिर हरिचंद मर गया, वो आदमी नहीं मरा, आदमी वही रहा। तो पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है, पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है, हंसते हैं सितारे के गगन बदला है। पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है, हंसते हैं सितारे के गगन बदला है, शमशान की खामोशी मगर कहती है, शमशान की खामोशी मगर कहती है रूह वही सिर्फ कफन बदला है। रूह कभी नहीं मरती है, कफन शरीर बदल जाते हैं, रोल्स बदल जाते हैं, नाम रूप बदल जाते हैं। मैं हर समय हूँ, हर समय था, हर समय रहूंगा, मुझ में कोई बदलाव नहीं, ये रोल था, रोल पूरा हो गया। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, यही उपदेश हमारे पूर्वज महाराज यदु ने अवधू श्रोमणि जिनके 24 गुण गुरु थे दत्तात्रेय महाराज से ग्रहण किया। बोले श्री दत्तात्रेय महाराज की, हे उद्धव यही उपदेश एक बार सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा तो वो उसका समाधान नहीं कर सके। फिर उन्होंने मुझे स्मरण किया और मैंने हंसावतार लेकर उनको ये बताया कि चित्त और विषय, वृत्ति और विषय एक रूप हो गए हैं, विषय चित्रूप हो गए, चित्त विषय रूप हो गया है, इन दोनों को वृत्ति विषय से निर्विषय करे और आत्मा की साक्षी की तरफ उलट दे, मोड़ दे, तो फिर ये सारा का सारा जंजाल समाप्त हो जाता है। बोले श्री हंस भगवान की, ये मैंने भागवत धर्म का उपदेश उनको किया। इसलिए कलयुग में कोई और धर्म नहीं उद्धव, केवल भागवत धर्म।
ये सब भागवत धर्म में जितना भी है, जो इस्लाम में ये भागवत धर्म है। भागवत धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति करना, भगवान के भरोसे रहना। इस्लाम क्या है? भगवान के भरोसे, भगवान से मांगते हैं, भगवान के गीत गाते हैं। नाथ, नाथ मीन्स गुणगान करना। भागवत धर्म है ये इस्लाम। और जितने भी संत मत चल रहे हैं, चाहे धन धन सतगुरु हो, चाहे निरंकारी हो, चाहे अकाली हो, चाहे कबीर पंथी हो, चाहे रैदासी हो, चाहे नानक पंथी हो, अदरवाइज कोई भी, सब पंथी, ये सब भागवत धर्म है जिसमें माता पिता गुरु और भगवान की भक्ति है। जिसमें भक्ति है वो भागवत धर्म है, जितने भी कलयुग में। लेकिन इस भागवत धर्म के नाम पर भी ठगी चल रही है। अब वो अलग बात है, भागवत धर्म है क्या, वो अलग चीज है। लेकिन जितने भी ठगी चल रही है भागवत के नाम से चल रही है, उसका रूप या नाम कुछ भी है, भागवत धर्म माने भगवान के समर्पण। तो ये उन्होंने कहा कि कलयुग में केवल यही है, कलयुग केवल नाम राधा स्वामी वगैरह सब भागवत धर्म है। अब इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है ये तो भगवान जाने, लेकिन भागवत धर्म है ये सब। तो ऐसा कह करके उन्होंने कहा, तुम बद्री नारायण में द्वंद्व सहन करना, भागवत धर्म का आश्रय लेना। और ये श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, इससे आगे कलयुग बहुत खतरनाक आएगा। उस समय पर वेद के नाम पर पाखंड करके लोग और साधारण जनता को गुमराह करके, धर्म का दोहन करके और धर्म को भ्रष्ट करेंगे। उस समय वैदिक पाखंड का खंडन करने के लिए भगवान का क्षत्रिय कुल में अवतार होगा। वो न संस्कृत पढ़े होंगे, न व्याकरण पढ़े होंगे, न वेद पढ़े होंगे, न वेदांत कुछ नहीं पढ़े होंगे। वेद, वेदांत, व्याकरण, संस्कृत कुछ नहीं, केवल लोक भाषा से ही और अपनी सिद्धांत को कहकर के इन पाखंडियों का खंडन कर सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। उनका नाम होगा बुद्ध भगवान। बोलिए बुद्ध भगवान की। फिर इसके बाद में राजा परीक्षित, खतरनाक कलयुग आएगा, सारे वर्ण आश्रम खत्म हो जाएंगे। उस समय पर विष्णु यश की कुंवारी कन्या के गर्भ से संभल नाम के गांव में भगवान का कल्कि अवतार होगा, जो घोड़े पर चढ़कर के आताइयों का वध कर सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। बोलिए श्री कल्कि भगवान की। ये मैंने तुम्हें बतलाया, तो ये जितना भी है केवल मन की चंचलता मात्र है परीक्षण। इसलिए अपने चित्त को निर्विषय कर, ब्रह्म का, ब्रह्माकार वृत्ति का आश्रय ले। जैसे तरंग रहित समुद्र होता है, ऐसे ही वृत्ति रहित चित्त होता है। एक बात बता, अहम क्या है, मैं क्या है? अमीन्स नहीं, हम मीन्स नहीं, जो पहले नहीं था, पीछे नहीं था, बीच में, इट सीम्स ओनली, दिखता है सपने की तरह। हमारे शरीर पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे, अब दिख रहे हैं, अब भी बदल रहा है, बदलाव नहीं दिख रहा। कैसे बदलना ये नहीं दिख रहा। जैसे पंखा जब कम स्पीड में होता है तो चलता हुआ दिखता, फुल स्पीड में होता है तो चलता हुआ नहीं दिखता। ऐसे सबके शरीर फुल स्पीड में है, इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि इनमें कोई गति है, मूवमेंट है। लेकिन ये नहीं थे, ये नहीं रहेंगे, अब जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है, जैसे हैं वैसे दिख नहीं रहे, यही धोखा है। इसी में जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए परीक्षित। देख, जो नाव डूबती है ना, और नाव में कोई पकड़े रहे तो नाव के साथ वो भी डूब जाता है, लेकिन डूबती हुई नाव को छोड़ करके तैर जाने वाला पार हो जाता है। ऐसे मैं शरीर हूँ,
शरीर तो डूबता है मौत में, जिसने मैं शरीर हूं ये अज्ञान पकड़ रखा है उसी को जन्म मृत्यु का आभास होता है, होता उसका भी जन्म मरण नहीं है, आभास होता है। और जिसने मैं शरीर हूं ये छूट गया है, अहम ब्रह्म अस्मि जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, जो रोशनी सूरज में वही मेरी आंख में वही दिए में वही एक ही प्रकाश है, प्रकाश तो एक ही है, वस्तुएं अलग अलग हैं, वही प्रकाश सूरज में वही प्रकाश आंख में वही प्रकाश दिए में, आंख दिए को देख रही है आंख सूरज को देख रही, एक ही प्रकाश अपने कई उपाधियां बना करके खुद में व्यवहार कर रहा है, खुद में बर्ताव कर रहा है, जैसे एक ही जल लहर बन करके जल में व्यवहार करता है, जैसे एक ही जल बर्फ बन करके जल में व्यवहार करता है, ऐसे एक ही आत्मा ईश्वर माया जीव उपाधि की उपाधि अविद्या उपाधियों के द्वारा अपनी महिमा में महिमान्वित होता हुआ दिखता है कुछ नहीं। ये कैसे है, जैसे कि घूमते हुए बच्चे को सब घूमते हुए दिखते हैं, अगर वो बैठ जाए तो ऐसी जिसकी बुद्धि में अविद्या है उसको ये सब जन्म मरण दिखता है, शरीर संसार दिखता है, और जिसकी अविद्या मर गई फिर कुछ नहीं। इसलिए इस चित्त को ही अज्ञान और बंधन का कारण का है, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, इसलिए तो अधिष्ठान ब्रह्म लेकर के देख, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं, सर्वम खल इदं ब्रह्म न्या नास्ति किंचन। जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु कहां, ऐसा परीक्षित को उन्होंने अनुभूत कराया, वहां से विदाई ली। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, सूत जी कहते हैं हम भी वहीं पे थे, और जब द्वापर का अंतिम चरण कलयुग का आगमन होता है तब विष्णु भगवान व्यास अवतार लेते हैं, वेदों का विस्तार प्राणों की रचना धर्म की संस्थापना करते हैं। ये 28 में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास सुखदेव जी के पिता मेरे गुरु सुखदेव जी की कृपा से मैंने उसे हासिल किया, जो हासिल किया जो अनुभव किया जो संतों से महात्माओं से कृपा से मैंने अनुभव किया वो मैंने सब आपको कह दिया। ऐसा कहकर के सूत जी ने वाणी को विराम दिया। बोलिए श्री सूत जी महाराज की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी नाथ की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान ध्यान की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल शुकमुख विगलित निगम कल्प फल, रस रस निदान की आरती अति पावन पुराण की, कले मल मत नित्रताप निवारण, जन्म मृत्युमय भव भय हारण, सेवत सतत सकल सुख कारण, तुम औषधि पर चरित गान की आरती अति पावन पुराण की, विषय विनाश विमोह विनाश ने विमल विराग विवेक विकाश ने, भगवत तत्व रहस्य प्रकाश ने, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की, परम हंस मुनि मन उल्लास ने, रसिक हृदय रस रास विलास ने, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास ने, कथा अकीर्तन प्रिय सुजान की, धर्म भक्ति
श्रीमद भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण दैपायन व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज जय। राजर्षि परीक्षित जी महाराज जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री शौनक जी महाराज की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। श्री गौड़पादाचार्य स्वामी की जय। श्री गोविंदाचार्य स्वामी की जय। जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी की जय। शंकर भगवान की जय। चारों संप्रदाय की जय। श्री पंचावाहन अखाड़े की जय। अपने अपने मात पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने इष्ट देव की, बस्ती मैया की, नगर देवी की, वैष्णो देवी की, मनसा देवी की, अन्नपूर्णा देवी की, पुण्यागिरी देवी की, काली देवी की, चंडी देवी की, केला मैया की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अयोध्यापति भगवान श्री राम की, श्री हनुमत लाल की, श्री लखन लाल की, श्री भरत लाल की, श्री शत्रुघ्न लाल की, श्री बलदाव जी महाराज की, श्री लीला विलास महाराज की, श्री दत्तात्रेय भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, सभी संत और भक्त भगवान की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बोलिए रुक्मिणी महाराज की। आपने यहाँ इस महोत्सव में, इस पवित्र कार्य में इतना कठिन आपने तप किया, अपने सुख साधनों का, सम्मान का, सबका त्याग किया, ये मैं देख करके मुझे, और मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह का सहयोग और भावना हमेशा लगाए रखें। महाराज से निकल करके जा रहे हैं, दो मिनट आप जगह देंगे और अभी परीक्षित जी महाराज कुछ आपसे निवेदन करेंगे, आप सुनेंगे, और कल का भंडारा है साधु संत महात्मा।